आप देख रहे हैं JKUT7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी। और मैं कहना चाहता हूं कि जो बारिशों की वजह से दो तीन दिन पहले जो तहसील बनी लोहाई मलार के अंदर लोगों का नुकसान हुआ और लोगों के घर गए और लोगों के खेत गए और लोगों का जो बाग बगीचे का जो नुकसान हुआ है, ये वाहिद JKUT7 का जो चैनल है और JKUT7 के चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जो समस्याएं लोगों की होती हैं हम रिकॉर्ड करके एडमिनिस्ट्रेशन तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस समय मैं तहसील लोहाई के अंदर मौजूद हूं, वार्ड नंबर 6 में। तो मैं कहना चाहता हूं अपने कैमरामैन से कि लोग जो हैं वहां पे रहते हैं, और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब वो लोग जो बरसात के मौसम में जाते हैं तो पंचायत लोहाई के जो लोग हैं, मेंबर साहिबान हैं, जितने भी लोग हैं, और वहां पे कहना चाहता हूं मैं ख़ास करके वीडियो साहब से, हमारे DDC BDC चेयरमैन जो हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो हमारे कमल किशोर जी हैं, बिट्टू जी हैं नानगला से, क्योंकि लोहाई में इससे इतने हादसे हुए तो वो अभी उन्होंने लोहाई का कोई टूर नहीं किया, लोहाई में वो आए नहीं, मुझे लगता नहीं है कि उनके कानों तक कोई आवाज़ पहुंची होगी। तो मैं DDC BDC से कहना चाहता हूं कि ये जो तहसील लोहाई के अंदर गांव मड़ोठा जो है, और बरसात के मौसम में वहां पे लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग जो हैं उस रास्ते से गुज़र रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ उस रास्ते की, उस नाले की, कि जहाँ पे वो लोग क्रॉसिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि DDC BDC और लोहाई की पंचायत जो है वहाँ पे, और गुगलाड़ू, और इसी रास्ते से ये लोग जाते हैं और इसी रास्ते से ये लोग गुज़रते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुल जो है, जल्द से जल्द एक पुल जो है वो यहाँ पे बनाया जाए। आप देखते रहिए JKUT7 में, आपको ये मड़ोठा जो नाला है, यहाँ की तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ।